हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेली ERP9 में स्टॉक आइटम सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक विंडो दी गई है गेटवे ऑफ टेली की। हमें स्टॉक आइटम बनाने के लिए मास्टर्स में इन्वेंटरी इन्फो में जाना रहेगा। इन्वेंटरी इन्फो में जाके हम स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं, तो हम इन्वेंटरी इन्फो पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी, इन्वेंटरी इन्फो विंडो, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए, स्टॉक ग्रुप, वेट, कमोडिटी, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। हम आज स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं, तो स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए हमें स्टॉक ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। उससे पहले हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम RJ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नंबर ARC 789। यहाँ पे आपको बताया गया है कि RJ इलेक्ट्रॉनिक से हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज किए, यानी यहाँ पे आपको आइटम डिटेल, क्वान्टिटी और रेट दिया है। आइटम है टाइपराइटर 150 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 500, और वैसे ही हमने कीबोर्ड लिया है 160 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 200। इस तरह से हमने आइटम्स लिए हैं। यहाँ पे आपको पहले लेजर दिए हुए हैं, तो हमें पहले ये लेजर बनाने रहेंगे। तो लेजर नेम और ग्रुप में है, फर्स्ट है परचेज, जो परचेस अकाउंट में जाएगा, और RJ इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्टी है सन्ड्री क्रेडिटर में। तो हम एस्केप करके लेजर बनाएंगे। हम पहले ग्रुप बना रहे हैं, स्टॉक ग्रुप में जाके क्रिएट किया। अभी हम यहाँ पे नेम ऑफ लेजर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और यहाँ पे प्राइमरी सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करवा देंगे। हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन कर लिया, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। अगर हमें इसको देखना है तो हम इसको एस्केप करेंगे और बाहर आएंगे। यहाँ पर आपको सिंगल स्टॉक ग्रुप में आपको डिस्प्ले ऑप्शन दिया है। डिस्प्ले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपने जो स्टॉक ग्रुप बनाया है इलेक्ट्रॉनिक का, वो आपको दिखाएंगे। अगेन हम अगर इसके अंदर चेंजेस करना है तो अल्टर में जाके हम इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे, तो हम इसके ऊपर चेंजेस भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमें कुछ चेंज करना है, प्राइमरी है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर कोई और स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है तो अगेन हम क्रिएट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर बना रहे स्टेशनरी, तो हमने यहाँ पे सेकंड ग्रुप क्रिएट किया, प्राइमरी करके एक्सेप्ट करवा दिया। तो इस तरह से हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें स्टॉक आइटम बनानी है, उससे पहले हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे। अगर हम कोई गुड्स ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हैं, तो जो काउंट होंगे पीसेस और नंबर्स में, तो हम यहाँ पर सिम्बॉल डाल रहे हैं नंबर, और फॉर्मल नेम में हम पूरा नाम डाल रहे हैं नंबर्स, और हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अगर आपको कोई और जैसे कि केजी डालना है, तो फॉर्मल नेम सिंबल में केजी और फॉर्मल नेम में किलोग्राम डाल सकते हो आप, जैसे हमने यहाँ से डाल के एक्सेप्ट करवा दिया। तो ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी हम एस्केप करेंगे और अभी हम स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे भी सिंगल और मल्टी स्टॉक आइटम है। हम सिंगल स्टॉक आइटम पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, स्टॉक आइटम विंडो, जिसमें नेम है जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं टाइपराइटर, तो वो नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। अंडर ग्रुप हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक लिया, और यहाँ पे हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में नंबर लेके एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से हमने कीबोर्ड भी लिया है, तो हम सेकेंड स्टॉक आइटम बनाएंगे कीबोर्ड की, और उसे भी हम यहाँ पर अंडर ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डालेंगे और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में नंबर लेके एक्सेप्ट करवा देंगे। तो इस तरह से हमने दो स्टॉक आइटम क्रिएट किए। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, जहां हमने परचेस किए हैं, तो हम परचेस वाउचर में एंट्री पास करेंगे। परचेस वाउचर में आपको फर्स्ट दिया है सप्लायर, इनवॉइस नंबर और डेट। इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, डेट डाल दी, पार्टी का नाम, यहाँ पर आपको पार्टी का नाम दिया है RJ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो है सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे अगर हमने लेजर बनानी है, तो हम कीबोर्ड में से ऑल्ट सी करके डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको लेजर क्रिएशन विंडो दिखा रहा है। नेम में हम यहाँ पे RJ इलेक्ट्रॉनिक्स नेम लिखेंगे। अंडर ग्रुप में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इन्वेंटरी वैल्यू मेंटेन में हम यहाँ से यस करवाएंगे और इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। तो आप देख सकते हो पार्टी नेम में RK इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है।
परचेस लेजर में हमें परचेस लेजर बनाना रहेगा, तो अगेन हम ऑल्ट सी करके यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेजर बनाएंगे, अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट में डालेंगे। अगर यूज वेट रिटर्न आपको लेना है तो हम यहाँ से वेट यस करके परचेस एट द रेट 4% या 1% जो भी आपने एप्लीकेबल किया है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं परचेस एट द रेट 4% और यहाँ से एक्सेप्ट करवा दिया, तो परचेस ऑटोमेटिकली वेट टैक्स क्लासेस में एट 4% आ गया। हम जो परचेस कर रहे हैं टाइपराइटर 150 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 500 और कीबोर्ड 160 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 200, तो हम यहाँ पर डालेंगे टाइपराइटर 150 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 500। अगर हमें डिस्काउंट देना है तो हम यहाँ पर डिस्काउंट की अमाउंट डाल देंगे, जैसे हमें यहाँ पर डिस्काउंट देना है 5% या 2%, जो भी अमाउंट की डिस्काउंट देनी है, तो हम F11 करके F2 इन्वेंटरी फीचर्स में जाके यहाँ पे आपको इनवॉइस फीचर में आपको दिया है डिस्काउंट कॉलम, उसे हम यस करके एक्सेप्ट करवा देंगे, तो यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम ऐड हो जाएगी। अभी हम डिस्काउंट अमाउंट डालेंगे, डिस्काउंट अमाउंट में सपोज़ कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं 5%, तो 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताएंगे। अभी हम नेक्स्ट आइटम डालेंगे, नेक्स्ट हमने परचेस किया है कीबोर्ड और कीबोर्ड की क्वांटिटी है 160 और रेट है 200, तो हम यहाँ पर 160 नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ पीसीस और एट द रेट ऑफ 200 और 5% डिस्काउंट अमाउंट। तो आप देख सकते हो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। अभी हमारी एंट्री पास हो गई, हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, तो आप देख सकते हो सिचुएटरी डिटेल्स में आपको एसेसेबल वैल्यू दी है, टोटल वैल्यू, हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये हो गया स्टॉक आइटम परचेसर साइड में। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हमने दूसरी आइटम्स परचेस की है फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस में से, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर डिटेल दिया, आइटम डिटेल है, क्वांटिटी है, रेट है। आइटम डिटेल में आपको दिया है माउस और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्ट्रिप। हमने माउस परचेस किया है टोटल 200 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 150 और इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्ट्रिप 130 एट द रेट ऑफ 150। अगेन हम इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में क्रिएट करेंगे जो हमने नए लिए है, माउस लिया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, नंबर्स में कैलकुलेट करेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से हमने पावर स्ट्रिप ली है, तो हम यहाँ पर पावर स्ट्रिप लिखेंगे और वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और नंबर्स में कैलकुलेशन होगा, वो भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। अभी हम एस्केप करके अगेन परचेज वाउचर में एंट्री पास करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर F9 कीबोर्ड में से फंक्शन की, सप्लायर इनवॉइस नंबर 2, पार्टी नेम में हमें यहाँ पर पार्टी नेम दिया है आरके इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम यहाँ से आरके इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर, तो हम कीबोर्ड में से डायरेक्टली ऑल्ट सी करके यहाँ पे बना देंगे आरके इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर। अभी हम यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल एक्सेप्ट करवा देंगे और यहाँ से एक्सेप्ट करवा यस करेंगे और परचेस अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लेजर्स में से और आइटम नेम में हम लेंगे माउस, क्वांटिटी 200 एट द रेट ऑफ 150, इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रिप है 130 एट द रेट ऑफ 250, तो हम यहाँ पे सेम क्वांटिटी 200 एट द रेट 150, डिस्काउंट अमाउंट 5 और नेक्स्ट हम डालेंगे पावर स्ट्रिप अमाउंट, क्वांटिटी रहेगी हमारी पावर स्ट्रिप की 300 नंबर्स और रेट रहेगा 250, क्वांटिटी हमारी 130 और रेट है 250 और हम यहाँ पे डिस्काउंट 2% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके दिखा रहा है। इस तरह से हम परचेज की ट्रांजेक्शन पास आउट करेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन सेल्स ट्रांजेक्शन, सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स फॉर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने ये जो गुड्स परचेज किए थे उसमें से हम कुछ क्वांटिटी के गुड्स
जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहे हैं। तो आपको आइटम नेम और क्वांटिटी और रेट दिया है। टाइपराइटर 100 700 के और कीबोर्ड 100 400 के। हम यहाँ पे लेजर एंड ग्रुप दिया है, सेल्स लेजर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी बनाना रहेगा। हम सेल्स वाउचर में जाएंगे और पार्टी नेम में हम यहाँ पे पार्टी नेम डिफाइन करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। अंडर ग्रुप हम डालेंगे सन्ड्री डेटर्स सिलेक्ट करके हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल में भी हम यस करके एक्सेप्ट करवा देंगे और स्टेट गुजरात सिलेक्ट करेंगे और यस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पार्टी नेम आ गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हम सेकंड लेजर बनाएंगे, ये एक्सेप्ट करवा के पार्टी नेम, और हम यहाँ पर सेल्स लेजर में यहाँ से लेजर ऑल्ट सी करके सेल्स लेजर बनाएंगे। सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यूज्ड वेट रिटर्न में यस करेंगे और वेट अमाउंट वैल्यू भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 4% और एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ से ऑटोमेटिकली वेट टैक्स क्लासेस में भी सेल्स एट द रेट 4% ले लिया। अभी हम जो सेल कर रहे हैं टाइपराइटर और कीबोर्ड, तो हम ये दोनों क्वांटिटी एंड रेट यहाँ पर डालेंगे सेल्स लेजर में। तो अभी हम सेल्स लेजर ओपन करेंगे। सेल्स लेजर में हमने यहाँ से टाइपराइटर की 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 700 जो लिया है और कीबोर्ड 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 400 लिया है। हमने लेजर्स क्रिएट कर लिए। अभी हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स डालनी रहेंगी, तो हम अगेन सेल्स वाउचर में जाके टाइपराइटर 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 700 और कीबोर्ड 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 400। इस तरह से हम सेल्स वाउचर में एंट्री डालेंगे। सेल्स वाउचर में हमने यहाँ पे टाइपराइटर 100 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 700 डाला, अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो के आ गई और डिस्क्रिटी डाली 100 और रेट डाला 400 और डिस्काउंट अमाउंट डाले 2%, तो वो भी कैलकुलेट हो के आ गया। तो इस तरह से हम स्टॉक आइटम और स्टॉक आइटम वाउचर एंट्रीज डाल सकते हैं और एंट्रीज पास कर सकते हैं।